बेस्ट वायरलेस माइक अंडर 5000 रुपीज। अगर आप एक ऐसा माइक ढूंढ रहे हैं जिसकी आपको क्वालिटी बढ़िया देखने को मिले, सारे टाइप के फीचर देखने को मिले और वो बढ़िया भी हो और 5000 के अंदर भी आ जाए, तो स्टूडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिजिटेक DWM101 के बारे में। इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, इसको यूज कैसे करना है, इसका जो साउंड है वो कैसा देखने को मिलेगा, साथ में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इसका कंपेरिजन क्या है और इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है, पूरी जानकारी आपको इस माइक के बारे में देखने को मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट। फिलहाल जो आप साउंड सुन रहे हैं ये है बोया M1 की ओर से। सबसे पहले करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और इसको यूज कैसे करना है और साथ में क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले ये देखते हैं। अभी हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसा ये अंदर से आपको देखने को मिलेगा। तो ये है आपके सामने डिजिटेक का बॉक्स जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा और प्रीमियम सा देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छे से इसकी पैकेजिंग की गई है और काफ़ी अच्छा इसको डिजाइन किया गया है। अभी हम यहाँ पर इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके साथ आपको क्या देखने को मिलेगा। तो ये आपके सामने ओपन हो जाता है आपका माइक, तो ये सब आपको इसके साथ देखने को मिलता है। यहाँ पर आपके सामने आपके दो माइक देखने को मिलेंगे जो कि दो ट्रांसमीटर होने वाले हैं और एक आपको रिसीवर देखने को मिलने वाला है और यहाँ पर आपको इसका सामान देखने को मिलता है। सबसे पहले साथ में देखते हैं इसके साथ आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको विंडशील्ड भी देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आपको ईयरफोन्स देखने को मिलेंगे जो कि आप रियल टाइम मॉनिटरिंग के अंदर काम आने वाले हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपको एक और विंडशील्ड देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर आपको दो माइक देखने को मिलेंगे तो आपको दो विंडशील्ड भी देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ आपको एक और ईयरफोन भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको दो विंडशील्ड देखने को मिलेंगे और दो आपको ईयरफोन देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको दो माइक देखने को मिलते हैं। अगर आपको कैमरा के अंदर यूज करना है तो यहाँ पर आपको कैमरा की अलग देखने को मिलती है और अगर आपको मोबाइल के अंदर यूज करना है माइक को तो यहाँ पर आपको माइक की अलग देखने को मिलती है और यहाँ पर इसके सामने लिखा भी पड़ा है फोन एंड कैमरा, बट यहाँ पर आप इसको बड़ी आसानी से पहचान भी सकते हो कौन सी फोन की है और कौन सी कैमरा की है। आप इन दोनों को बड़ी आसानी से पहचान भी सकते हो। जिसके अंदर आपको तीन लाइन देखने को मिले ये है आपको फोन की देखने को मिलेगी और जिसके अंदर आपको दो लाइन देखने को मिले ये आपको कैमरा की देखने को मिलेगी और साथ में यहाँ पर लिखा भी पड़ा है। इसी के साथ आपको यहाँ पर चार्जिंग की केबल देखने को मिलेगी जो कि आप दो माइक को एक साथ चार्ज कर पाओगे, दोनों को आपने लगा देना है और यहाँ पर आपको USB देखने को मिलेगी जो कि आप अडेप्टर के अंदर लगा सकते हो और चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सी टाइप की और केबल देखने को मिलती है। अगर आपके मोबाइल के अंदर 3.5mm का जैक नहीं है तो यहाँ पर ये काम करने वाले हैं, C टाइप टू C टाइप की देखने को मिलेगी। इसी के साथ आपको यूजर मैनुअल भी देखने को मिलते हैं, चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आपको यूज करना ना आए, बट मैं यहाँ पर बता दूंगा कैसे यूज करना है। उसके बाद आते हैं हमारे सामने आपके दो ट्रांसमीटर और एक आपको रिसीवर देखने को मिलेगा, यानी कि आपको दो माइक देखने को मिलते हैं और एक रिसीवर देखने को मिलेगा। तो इस रेट के हिसाब से यहाँ पर काफी ज्यादा सामान आपको देखने को मिलता है, लगभग पूरा सामान देखने को मिलेगा, आपको अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आप यहाँ पर इसको बाहर निकालोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये यहां पर आपको रिसीवर देखने को मिलेगा जो कि आपके मोबाइल या फिर कैमरा के ऊपर लगने वाला है। आप यहां पर पहचान भी कर सकते हो, यहां पर आपको रिसीवर देखने को भी मिलेगा और जिसके ऊपर आपको माइक देखने को ना मिले वो ही आपको रिसीवर देखने को मिलता है। बाकी यहां पर जो आपको दो ट्रांसमीटर यानी कि जो आपके दो माइक देखने को मिलते हैं यहां पर ट्रांसमीटर लिखा भी गया है इन दोनों के ऊपर और साथ ही में इन दोनों के ऊपर ही आपको एक माइक देखने को मिलेगा। तो यहां पर बड़ी आसानी से आप इनको पहचान सकते हो क्योंकि यहां पर आपको इन तीनों का डिजाइन लगभग सेम सा ही देखने को मिल जाता है। अगर हम यहां पर रिसीवर की बात करें तो यहां पर आपको बैटरी का आइकन देखने को मिलेगा, लिंक का आइकन देखने को मिलेगा, इको का आइकन देखने को मिलेगा और माइक का आइकन भी देखने को मिलने वाला है और यहां पर आपको रिसीवर देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आपको वॉल्यूम का अप डाउन का देखने को मिलेगा, आप चाहे तो इसके लेवल को इंक्रीज या फिर डाउन भी कर सकते हैं ताकि आप अपने साउंड को एडजस्ट कर पाएं, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर सी टाइप की केबल देखने को मिलेगी जो कि आप अपने मोबाइल के अंदर लगा पाओगे और कैमरा के अंदर भी लगा पाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ईयरफोन का आइकन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप रियल टाइम मॉनिटरिंग भी कर पाओगे, आपको जो दो ईयरफोन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको पावर का बटन देखने को मिलेगा और म्यूट का भी बटन देखने को मिलता है। अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पर इसकी पावर ऑन हो जाएगी और ऑफ करने के लिए भी आपको इसको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद अगर आप इसको ऊपर एक बार टैप करोगे तो यहाँ पर म्यूट हो जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पर इसको करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको लॉन्ग टैप करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप बीच में देखोगे कुछ ब्लिंक कर रहा है, ये है लिंक का आइकन। अगर आप जब माइक को कनेक्ट करोगे तो ये रुक जाएगी। अगर आप माइक को म्यूट करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर भी टैप कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपका जो माइक है ये म्यूट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको फिर से एक बार ऑन कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो आपने इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस कर देना है, बट अभी कनेक्ट करते हैं इसके माइक। सो अगर आप रिसीवर के साथ माइक को कनेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपली है, सेम आपने इसको यहाँ पर ओपन कर देना है लॉन्ग प्रेस कर।
और ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो लिंक का साइन है, अब यहाँ पर इन दोनों का रुक चुका है, यानी कि ये दोनों लिंक हो चुके हैं। और आप एक साथ इसके दोनों ट्रांसमीटर यानी कि माइक को लिंक कर सकते हो, दोनों ये एक साथ काम करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये भी लिंक हो चुका है, तो अब ये तीनों लिंक हो चुके हैं और दोनों माइक एक साथ काम करने वाले हैं। बट अगर आपको एक की ही जरूरत है तो आप एक माइक को यहाँ पर बंद कर सकते हैं लॉन्ग टैप कर। यहाँ पर आपको क्लिप देखने को मिलती है जो कि आप अपने कैमरा के ऊपर या फिर अपने टी शर्ट के ऊपर लगा पाओगे, काफ़ी अच्छी ये देखने को मिलेगी और ये दोनों के ऊपर ही देखने को मिलती है, तो ये काफ़ी अच्छी सी हो जाती है। अगर आप इसका नॉइज कैंसिलेशन ओपन कर जाते हो तो यहाँ पर आपने इको के ऊपर एक बार टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो नॉइज कैंसिलेशन है ये ओपन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो माइक है ये ब्लू हो चुका है। अगर आप यहाँ पर इसका इको मोड ऑन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपने इसको लॉन्ग प्रेस कर देना है, उसके बाद यहाँ पर ये इको मोड ऑन हो जाएगा। अगर आप इको मोड को बंद करना चाहते हो तो आपने लॉन्ग प्रेस कर देना है, यहाँ पर ये बंद हो जाएगा। अगर आप नॉइज कैंसिलेशन को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने एक बार टैप कर देना है। तो ये है आपके सामने इसके फीचर, काफ़ी आसानी से आप इसको यूज कर सकते हो, रियल टाइम मॉनिटरिंग भी कर पाओगे और यहाँ पर इसको चार्ज भी कर पाओगे, काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको म्यूट का ऑप्शन देखने को मिलेगा और पावर का ऑप्शन को देखने को मिलेगा। सो ये थी इस माइक की अनबॉक्सिंग और इसको कैसे यूज करते हैं पूरी गाइड मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। अभी हम करते हैं इसकी साउंड का कंपैरिजन और प्रोस एंड कॉन्स के बारे में जानने वाले हैं। फिलहाल जो आप साउंड सुन रहे हैं ये है बोया M1 माइक की ओर से, जो कि यहाँ पर आप देखते हो। अभी मैं करता हूँ स्विच डिजिटेक DWM 101 के अंदर। अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं ये है डिजिटेक DWM 101 माइक का। तो ये आपके सामने वो वाला माइक है, ये इसका नॉर्मल मोड है। यहाँ पर आपको दो मोड और भी देखने को मिलते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैंने नॉइज कैंसिलेशन मोड को ऑन नहीं कर रखा है, आप यहाँ पर डिफरेंस और इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। अभी मैं इसका नॉइज कैंसिलेशन मोड को ऑन करने वाला हूँ, फिर देखते हैं इसका कैसा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने इसका नॉइज मोड को ऑन कर दिया है, तो अभी यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं पहले कैसा था और अब कैसा है, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। इसी के साथ आपको एक और मोड देखने को मिलता है जो कि है इको मोड। अगर आप यहाँ पर इसको होल्ड करोगे तो यहाँ पर आपको इको मोड देखने को मिलेगा। तो अभी इसका नॉइज कैंसिलेशन मोड और इको मोड दोनों ही यहाँ पर ऑन हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बड़ा एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट ये कुछ खास नहीं होने वाला है। तो आपके लिए जो मेन होने वाला है वो है नॉर्मल मोड और यहाँ पर नॉइज कैंसिलेशन मोड। इसका जो इको मोड है ये सभी सिचुएशन में आपके लिए काम नहीं करने वाला है, बाकी आप देख सकते हैं ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसके इको मोड को बंद कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर अब चालू हो चुका है इसका नॉइज कैंसिलेशन मोड, तो अभी ये नॉर्मल मोड नहीं है, आप यहाँ पर इसका डिफरेंस चेक कर पाओगे। अब इस माइक का नॉर्मल मोड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर आप इसका भी डिफरेंस चेक कर सकते हैं। तो अभी जानते हैं इस माइक के बारे में। तो ये माइक आपको 4500 रुपए का देखने को मिलेगा, बट सेल के अंदर इसका रेट 100-200 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। इसके साथ आपको सभी फीचर देखने को मिलेंगे, जो बोया M1 देखने को मिलता है वो आपको एक परफेक्ट माइक देखने को मिलता है, बट जो उसकी वायर है वो काफी बड़ी देखने को मिलती है और जो उसके अंदर आपको सेल देखने को मिलते हैं वो कई बार खाली भी हो जाते हैं, तो आपको कई बार वो चेंज भी करने पड़ते हैं। बट ये वाला माइक आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। जो रोड वाला माइक है वो काफी ज्यादा महंगा देखने को मिलेगा, बट अगर आपका बजट इतना है तो आपके लिए ये वाला ठीक रहने वाला है। बट इसे कुछ फायदे और नुकसान भी देखने को मिलते हैं। जो इसके प्रोस है वो तो आप सभी ने देख ही लिए होंगे, इसी कंपैरिजन के अंदर देख लिए होंगे, और जो फीचर देखने को मिलते हैं वो सब इसके प्रोस देखने को मिलते हैं। अब इसके कुछ यहाँ पर कॉन्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर आपको लंबी दूरी की वीडियो को रिकॉर्ड करना है तो आपके लिए थोड़ी बहुत दिक्कत रह सकती है। आप इसको 20-30 मीटर तक लेके जाओगे तो यहाँ पर ठीक काम करता है, बट अगर ये 30 मीटर से ज्यादा जाएगा या फिर 30 मीटर के आसपास भी आएगा तो वॉइस थोड़ी बहुत कट जाएगी। साथ ही में अगर इसके बीच में कुछ आ जाएगा कैमरा और रिसीवर के बीच में तो यहाँ पर भी आपकी साउंड कट सकती है, जैसे कि आप अपनी कमर को मोड़ लेते हो या फिर बीच में कुछ भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो यहाँ पर इसके डिस्कनेक्शन हो सकता है या फिर इसकी आवाज थोड़ी बहुत कट सकती है, तो ये दिक्कत देखने को मिलेगी। बट रोड वाला काफी आपको ठीक देखने को मिलेगा इसके मुकाबले में। बट अगर आप ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो या फिर आपको थोड़ी सी दूरी के ऊपर जाना है तो आपके लिए ये भी ठीक रहने वाला है, बट बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा ढंग से। अगर इसकी बैटरी की बात करें तो बैटरी भी आपको ठीक देखने को मिलती है, कंपनी के अनुसार 10-12 घंटे का बैकअप देने वाली है, बट रियल में ये 6-7 घंटे का बैकअप तो आपको दे ही देगी, कई बार आपको इससे भी ज्यादा देखने को मिलेगा। चार्जिंग भी आपको बढ़िया देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर सी टाइप काम करता है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। सो ये था डिजिटेक DWM 101 माइक। परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।